गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स सो वी वर स्टडिंग चैप्टर थ्री आइटम्स एंड मॉलिक्यूल्स टूडे वी विल कंटिन्यू द चैप्टर सो आर टूडेज फर्स्ट टॉपिक इज आयन आयन क्या है द चार्ज स्पीशीज आर कोल्ड आयन्स आयन्स वो चार्ज स्पीशीज जो होते हैं हमारे किसी भी कंपाउंड में उनको हम कहते हैं आयंस ये पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकती है नेगेटिवली चार्ज भी हो सकती है दे कैन बी आइदर अ सिंगल एटम और दे कैन बी अ ग्रुप ऑफ एटम सिंगल एटम भी हो सकती है ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकती है कंडीशन क्या उनके ऊपर चार्ज होना चाहिए चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो न जब हम सिंगल एटम को कंसिडर करते हैं देन अगर उस पर नेगेटिव चार्ज है देन इट इज़ नोन एज आयन एन आयन एंड इफ़ इट हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज इट इज़ नोन एज अ कैटायन यानी कि अगर नेगेटिव चार्ज होगा हमारी स्पीशीज़ पर तो उसको क्या हम क्या कहेंगे एनायन और अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो कैटायन एग्ज़ाम्पल के लिए हम लेते हैं सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड के अंदर एन ए पॉजिटिव सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो क्या है एक कैटायन और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो वो क्या होगा एक एनायन ज़्यादातर मेटल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ही होता है नॉन मेटल्स पे नेगेटिव चार्ज हमें देखने को मिलता है बट नॉट इन ऑल केसेज इन मोस्ट ऑफ द केसेज सो सोडियम हमारा क्या है यहाँ पे पॉजिटिव कैटायन एंड क्लोरिन इज वट एन आयन नाउ ग्रुप ऑफ एटम्स में भी होता है कई बार चार्ज जैसे यहाँ पे तो सिंगल एटम था कि सोडियम है या फिर क्लोरिन है उनके ऊपर चार्ज था लेकिन कई बार ग्रुप ऑफ आइटम्स भी चार्ज को कैरी करते हैं उनको हम क्या कहते हैं पोलियाटोमिक आयंस पोलियटोमिकॉर एग्जाम्पल इज अमोनियम में एक ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं कौन से कौन से नाइट्रोजन के एटम्स एंड हाइड्रोजन के आइटम्स एनएच फोर पोली एटोमिक्जाम्पल्स आर हाइड्रोक्साइड ओ एच नेगेटिव आयन नाइट्रेट एन ओ थ्री ने हाइड्रोजन कार्बोनेट एच सी थ्री नेगेटिव पीओ थ्री नेगेटिव कार्बोनेट सी ओ थ्री टू नेगेटिव सल्फाइट एस ओ थ्री टू नेगेटिव एंड सल्फेट एस ओ फोर टू नेगेटिव ना ये चार्जेस आते क्यों हैं चार्ज जब डेवलप होता है या तो ऐटम आयन्स जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं एटम्स में या तो वो उनको डोनेट कर दें या फिर उन आ, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करें अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है तो उस पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज सो अगर हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं तब आएगा नेगेटिव चार्ज जैसे कि क्लोरीन में आता है और जब वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है जैसे कि सोडियम करता है तो आता है पॉजिटिव चार्ज अब ये क्यों डोनेट या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट क्यों करते हैं वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए सोडियम हमारा फर्स्ट ग्रुप में लाई करता है हमें पता है तो उसके अंदर उसकी कॉन्फिग्रेशन देखें तो उसकी क्या होती है एटॉमिक नंबर सोडियम के लिए इलेवन तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टू एट एंड वन सो एक इलेक्ट्रॉन उसके अंदर एक्स्ट्रा होता है जो उसकी अंस, को अनस्टेबल करता है या तो वो एक और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे या फिर लॉस करे सो so, लॉस करना इजी रहता है उसके लिए एक इलेक्ट्रॉन को तो वो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा डोनेट करता है और पॉजिटिव चार्ज की फॉर्मेशन करता है जो फर्स्ट ग्रुप है वो सभी एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव स्पीशीज की कैटाइंस की फॉर्मेशन करते हैं और जो क्लोरीन है वो किसको बिलोंग करता है हेलोजन फैमिली को हेलोजन्स जितने भी हैं फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये सभी इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट होते हैं ये सब इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना चाहते हैं क्योंकि इनमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो सेवन होती है जो वैलेंसी में आता है एंड में तो एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है एट होने में तो स्टेबलाइज होने के लिए ये गेन करते हैं एक इलेक्ट्रॉन को और जब भी भी कोई इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा तो उन पर कैसा चार्ज आएगा नेगेटिव चार्ज इसीलिए सोडियम जो है पॉजिटिव चार्ज बेयर करता है और क्लोरीन कैसा बेयर करता है नेगेटिव चार्ज अब हमें इन सभी के आयंस का जो सिंबल्स हैं और जितने नंबर ऑफ आयंस इस पर प्रेजेंट करते हैं किस पे पॉजिटिव करता है किस पे नेगेटिव ये आपको याद करना पड़ेगा और नेक्स्ट टॉपिक इज राइटिंग केमिकल फॉर्मूला केमिकल फॉर्मूला को कैसे लिखेंगे इसके लिए पहले दो जो ज़रूरी चीज़ आपको याद होनी चाहिए वो है सिम्बल और दूसरा होना चाहिए वैलेंसी वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट सो सबसे पहले केमिकल फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है वो रिप्रेजेंट करता है कॉम्पोजिशन को इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कॉम्पोजिशन एक कंपाउंड के अंदर कितने एटम किस टाइप के एटम प्रेजेंट है वो रिप्रेजेंट करता है केमिकल फार्मूला फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड है सोडियम क्लोराइड का जो ये केमिकल फॉर्मूला है ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे एक सोडियम और एक क्लोरीन का एटम मिलके कंपाउंड की फॉर्मेशन कर रहे हैं एच में हमें दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलके केमिकल फॉर्मूला का वॉटर का फॉर्मेशन कर रहे हैं सो so, कॉम्पोजिशन जो है उसको रिप्रेजेंट करता है केमिकल फॉर्मूला नाउ मैंने कहा कि फर्स्ट हमें याद करना है सिंबल और वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट वट इज़ द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट वैलेंसी ऑफ एलिमेंट होती है कंबाइनिंग पावर या फिर कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी एक हमारा एटम कितनों के साथ बोंड बना सकता है उसकी कैपेसिटी कितनों के साथ कंबाइन करने की है वो उसका बताता है वैलेंसी जैसे हमारा फॉर एग्जांपल कार्बन है कार्बन जो है चार एटम्स के साथ बोंड बना सकता है यानी कि चार बॉन्ड वो बना सकता है तो चार बॉन्ड बनाएगा तो उसकी कैपेसिटी कितनी है फोर यानी कि उसकी वैलेंसी हुई फोर मिथेन का फॉर्मूला क्या होता है सी एच फोर सो कार्बन के साथ चार हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं यहाँ से क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि जो कार्बन है उसकी वैलेंसी है फ़ोर ऐसे एक और एग्जाम्पल है जो जनरली ऑक्टोपस के हमें पता आठ आर्म्स होती हैं आठ हाथ होते हैं उसके और ह्यूम्स के कितने होते हैं दो सो so, अगर मैं ऑक्सीजन को ओ से रिप्रेजेंट करूं सॉरी ऑक्टोपस को ओ से रिप्रेजेंट करूँ और ह्यूमन को एच से सो so, हम कहें कि ऑक्टोपस को ह्यूमन को पकड़ना है तो एक हाथ एक हाथ को पकड़ेगा अब ऑक्टोपस के कितने आर्म्स हैं एट तो एट आर्म्स एट ह्यूमंस के हाथों को पकड़ने के लिए ह्यूमंस के हाथ कितने पकड़ सकता है वो आठ अभी हमें पता है ह्यूमंस के पास तो दो हाथ होते हैं तो कितने ह्यूमंस रिक्वायर्ड हुए चार लेकिन ऑक्टोपस के एक ऑक्टोपस के पास आठ हाथ होते हैं तो ऑक्टोपस कितना रिक्वायर हुआ एक यानी कि एक ऑक्टोपस कितने ह्यूमंस को पकड़ सकता है चार को तो ऑक्टोपस की कैपेसिटी कितनी हुई चार तो फॉर्मूला हमारे केमिकल फॉर्मूला क्या बना ओ एच फोर कि एक ऑक्टोपस चार ह्यूमंस को पकड़ सकता है उसकी कैपेसिटी चार है तो यहाँ पे ऑक्टोपस की वैलेंसी क्या हुई फोर कितनों के साथ वो बॉन्ड बनाएगा कितना कितनी कैपेबिलिटी है उसकी कंबाइन करने की वो हमारा रिप्रेजेंट करते हैं वैलेंसी से अब केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए कुछ रूल्स होते हैं फर्स्ट रूल है हमारा वैलेंसी और चार्ज ऑन एन आयन मस्ट बैलेंस एक स्पीशीज को स्टेबल होने के लिए ये ज़रूरी है कि वो बैलेंस्ड हो और न्यूट्रल हो अगर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा या फिर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो बैलेंस नहीं होगा न्यूट्रल नहीं होगी स्पीशीज़ न्यूट्रल स्पीशीज़ एग्जिस्ट नहीं कर पाती सो so, वैलेंसी या फिर चार्ज दोनों ही सेटिस्फाई होने चाहिए और हमारा कंपाउंड जो है वो बैलेंस्ड होना चाहिए जैसे कि सोडियम क्लोराइड है एक सोडियम और एक क्लोरीन क्योंकि सोडियम के ऊपर प्लस वन चार्ज होता है और हाइड्रोजन के ऊपर माइनस सॉरी क्लोरीन के ऊपर माइनस वन चार्ज होता है सो so, सोडियम क्लोराइड के अंदर प्लस वन एंड माइनस वन बैलेंस हो रहा है दोनों हम एन टू क्यों नहीं लिखते क्योंकि एन टू में एन ए एक प्लस वन और सी एल टू दो माइनस टू तो वो बैलेंस नहीं होंगे यानी कि स्पीशीज़ न्यूट्रल नहीं है स्पीशीज़ एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी इसी क्यों नहीं कर पाएगी क्योंकि वो न्यूट्रल नहीं है बैलेंस्ड नहीं है तो पहली कंडीशन जो है केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए वो क्या है कि वैलेंसी और जो चार्ज है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए न्यूट्रल होनी चाहिए स्पीशीज़ सेकंड क्या है कि अगर किसी कंपाउंड के अंदर मेटल भी प्रेजेंट है नॉन मेटल भी प्रेजेंट है तब हम पहले किसको लिखेंगे पहले हम लिखेंगे मेटल को फिर लिखेंगे नॉन मेटल को जो मेटल होगा वो हमेशा लेफ्ट में लिखा जाएगा पहले लिखा जाएगा और नॉन मेटल लिखा जाएगा राइट में यानी कि सेकेंड नंबर पर नॉन मेटल आएगा एग्जाम्पल के लिए कैल्शियम ऑक्साइड है तो कैल्शियम ऑक्साइड में हम सी ए कैल्शियम को पहले लिखते हैं और ऑक्सीजन को बाद में कैल्शियम हमारा क्या है मेटल ऑक्सीजन नॉन मेटल तो मेटल कहाँ लिखा जाएगा लेफ्ट में और नॉन मेटल राइट right में अनदर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड सोडियम मेटल है लेफ्ट में क्लोरीन नॉन मेटल है राइट right में नाउ थर्ड हमारा जो रूल आता है वो आता है पोलियटोमिक आयन्स के लिए पोलियोटोमिक आयन्स कौन से जिसमें एक से ज्यादा एटम्स का ग्रुप मिलके डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स का ग्रुप मिलके और एक चार्ज स्पीशीज बनाता है वो है पोलियटोमिक आयंस पोलियटोमिक आयंस का जो चार्ज है वो हमेशा हम ब्रैकेट में दिखाते हैं अगर वो एक ही चार्ज को बेयर करता है एक चार्ज इन देंस अगर एक ही स्पीशीज़ प्रेजेंट है तो हम उसको ब्रैकेट नहीं लगाएंगे लेकिन एक से ज़्यादा प्रेजेंट है तो हम ब्रैकेट लगाएंगे एग्जाम्पल के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है अब इसमें ओ जो है हाइड्रोक्साइड वो हमारी पोलियोटोमिक स्पीशीज़ है लेकिन यहाँ पर एक ही ओ प्रेजेंट है इसीलिए हमने यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाया यहाँ पे चार्जेस क्या एन ए पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव एन हमारा कैटायन है और ओ एच हाइड्रोक्साइड हमारा एनआईन है सो so, यहाँ पे तो एक ही ओ OH एच की स्पीशीज थी तो इसलिए हमने ब्रैकेट नहीं लगाया लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में मैग्नीशियम के साथ ओ एच टाइस क्यों लगा क्योंकि मैग्नीशियम जो है प्लस टू चार्ज बेयर करता है सो so, प्लस टू है और ओ OH हमारा कितना बेयर करता है माइनस वन तो बैलेंस करने के लिए हमें ओ OH को ट्वाइस करना पड़ेगा सो so, क्योंकि यहाँ पे ओ OH की दो स्पीशीज़ हम यूज़ कर रहे हैं इसीलिए उसके साथ हमने ब्रैकेट लगाया है ब्रैकेट रिप्रेजेंट करता है ब्रैकेट के बाहर जो ये दो है ये रिप्रेजेंट करता है कि जो ये ब्रैकेट के अंदर वाली स्पीशीज़ है इसके दो एटम्स हमने यूज़ किए हैं या कहें कि कॉम्पोजिशन इसकी टू है केमिकल फॉर्मूला में सो so, जबी भी तीन रूल हमारे क्या है पहले तो वैलेंसी और चार्ज बैलेंस होने चाहिए सेकंड मेटल्स लेफ्ट में लिखे जाएंगे और नॉन मेटल्स राइट में और थर्ड पॉलीएटॉमिक स्पीशीज या पॉलीएटॉमिक आयंस जो हैं वो अगर एक से ज्यादा नंबर में एग्जिस्ट कर रहे हैं केमिकल फॉर्मूला में तो उनको हम ब्रैकेट से सेपरेट से करेंगे नोटबुक में एक टेबल दी गई है जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ आइटम्स के आयन्स के सिम्बल्स दिए गए हैं ये आपको सबको याद करना है जैसे कि मेटल्स के लिए दिए गए हैं सोडियम पोटेशियम सिल्वर यह सभी प्लस वन चार्ज में एग्जिस्ट करते हैं मैगनीशियम कैल्शियम जिंक आयरन कॉपर प्लस टू में एग्जिस्ट करते हैं और इनमें से आयरन जो है प्लस थ्री में भी एग्जिस्ट करता है एल्यूमिनियम प्लस थ्री में करता है जबकि नॉन मेटल्स में नेगेटिव चार्ज बेयर करेंगे हाइड्रोजन हाइड्राइड हाइड्रोजन जो है अगर हाइड्रोजन के फॉर्म में होगा तो प्लस चार्ज बेयर करेगा और हाइड्राइड की फॉर्म में होगा तो नेगेटिव चार्ज बेयर करेगा तो हाइड्रोजन जो है वो दोनों ही प्रॉपर्टीज शो कर सकता है वो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फ्लोरीन ये जो हाइलोजेंस थे ये माइनस वन चार्ज बेयर करते हैं ऑक्साइड और सल्फाइड माइनस टू बेयर करते हैं एंड नाइट्राइड uh, हमारा थ्री माइनस थ्री देन पॉलीएटॉमिक आयंस